लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, इकाई 15 कार्बन और उसके यौगिक लिखा हुआ कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता, किसमें, कोयला में, चीनी में, रोटी में या नमक में, किसमें नहीं पाया जाता हमारा, नमक में, किसमें नहीं पाया जाता, नमक में। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रकृति में कार्बन पाया जाता है केवल मुक्त अवस्था में, केवल यौगिकों में, या मुक्त एवं यौगिक के दोनों अवस्थाओं में, या केवल अपने अपर रूपों में, किसमें नहीं पाया जाता है, ये वाला नंबर, किसमें नहीं पाया जाता, मुक्त और सा नंबर, क्या, मुक्त एवं एक दोनों अवस्थाओं में। फिर कह रहा है कि कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है, मेथेन की, एथेन की, एथलीन की, या ब्यूटेन की, किसकी सबसे ज्यादा अधिक होती है, ब्यूटेन की। फिर कह रहा है कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है किसका, जंत चारकोल, ग्रेफाइट, कोयला, लकड़ी का चारकोल, तो कौन सा है, ग्रेफाइट। ठीक, इस तरह से इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, सजीव बस सभी सजीव तथा कुछ निर्जीवों में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, कार्बन, क्या उपस्थित होता है, कार्बन। फिर कह रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है किसका, मेथेन, मेथेन क्या है हमारा, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। फिर कह रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है हमारा, हीरा है, हीरा सबसे कठोर, पेट्रोल है वो कैसा है हमारा, पेट्रोल क्या है, ज्वलनशील ईंधन है, क्या है, ज्वलनशील क्या है हमारा, ईंधन है। पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ है वो क्या हमारा, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है। ठीक, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही कथनों का सही क्या, गलत कथनों पर गलत का चिन्ह लगाइए। सभी हाइड्रोकार्बन का क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, ये बात बिल्कुल सत्य है। हीरा कार्बन का अकृष्टीय रूप है, ये बिल्कुल गलत बात है। शुगर चारकोल कार्बन का शुद्धतम अकृष्टीय अपर रूप है, ये बात बिल्कुल सही है। लकड़ी के चूल्हे की दक्षता सबसे अधिक होती है, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संक्षेप में उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि अपर रूप क्या होते हैं, कार्बन के अपर रूपों को लेकर, पहले हम बताएंगे अपर रूप क्या होते हैं। वे पदार्थ जो विभिन्न भौतिक गुण परंतु समान रासायनिक गुण रखते हैं, क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। कार्बन विभिन्न अपर रूपों में मिलता है जिन्हें क्या निम्न दो भागों में बांटा गया। ठीक है, केवल एक क्रिस्टलीय बांटा गया, एक अकृष्टलीय। अब क्रिस्टलीय कौन सा होता है, हीरा हो जाएगा और ग्रेफाइट हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, अकृष्टलीय का लकड़ी का कोयला हो जाएगा, हड्डी का कोयला हो जाएगा, कोक हो जाएगा, काजल हो जाएगा, और गैस कार्बन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों की तुलना कीजिए। लिखेंगे कि ग्रेफाइट तथा हीरे के निम्न रूप से क्या कर सकते हैं, इसको फिक्स कर सकते, किसे, एक रंग देख के उसके कार्य क्या करता है, पारदर्शिता कैसी, कठोरता कैसी, इसके द्वारा हम बता सकते हैं कैसे। देखो ग्रेफाइट तथा हीरा दोनों ही अपने गुणों में कैसे अधिकांशता कैसे हैं, भिन्न है, अलग अलग, भाई सीधी बात, हीरा भी अलग है, ग्रेफाइट भी अलग है। तो ग्रेफाइट क्या है, दूसरा रंग का होता है, काला पदार्थ होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, जैसे पेंसिल में लगा होता है कैसा पदार्थ होता है, काला पदार्थ होता है। फिर कह रहा है कि ये स्पर्श करने पर चिकना तथा फिसलने वाला पदार्थ है, पेंसिल में नुक लगी हुई कैसी होती है, वो चिकनी होती है और फिसलने वाला पदार्थ, जबकि हीरा पारदर्शी तथा कैसा है, कठोर है। अब तक ज्ञात करने सबसे अधिक कठोर पदार्थ होने के बावजूद हीरा सरलता से टूट जाता है, बहुत से पलकों वाला क्रिस्टल बनाने के लिए इसे विभिन्न तलों के साथ साथ क्या कहा जाता है, तलों के साथ साथ क्या, काफी सफाई से तोड़ा जाता है। इस पर पड़ने वाला प्रकाश किरण पुंज तेजी से बिखर कर अर्थात परावशोषित होकर एक सजीव धनुष बनाती है, अतः इसको इसके स्थान से थोड़ा सा हटाने पर यह चमकता है और सुंदर रंगों के रूप में चिंगारी की निकलता हुआ प्रतीत होता है। उसमें अगर तुम रोशनी डालोगे हीरे में तो एकदम बहुत ही तेज रोशनी सी उसमें निकलेगी और उसमें रंग दिखेंगे। फिर ग्रेफाइट तथा हीरो में कार्बन परमाणु क्या होते हैं, विभिन्न तरीकों पैटर्नों के परस्पर जुड़े अथवा आबंधित होते हैं। परमाणुओं के इन्हीं विभिन्न पैटर्नों के कारण ही ये दोनों क्या होते हैं, गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में अपने पास के अन्य तीन कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है और ये षटकोणीय जाल बनाता है, और अनेक ऐसे तल एक दूसरे के ऊपर ढीले ढाले अथवा आबंध रूप में रखे जाते हैं, इसी कारण में ये क्या होता है, तल सरलता से फिसल जाते हैं। इसी गुण के कारण क्या है, ग्रेफाइट स्पर्श करने पर चिकना और फिसलने वाला पदार्थ लगता है और यह एक उत्तम स्नेह के रूप में उपयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि हीरे में कार्बन परमाणुओं की
व्यवस्था पूर्णतः कैसी है, भिन्न है। अब प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर त्रिविमीय दृढ़ क्रिस्टल की संरचना बनाता है। इन्हीं इसी अत्यधिक स्थायी संरचना के कारण ही हीरा अब तक ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। फिर कह रहा है कि मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं, तो मीथेन गैस क्या है, CH4 है। वायु की अनुपस्थिति में दलदली स्थानों पर पेड़ पौधों और कार्बन पदार्थों मांस के गलने सड़ने से बनती, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फिर कह रहा है कि पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है, पेट्रोल अब क्या कह रहा है, पेट्रोल है ठीक है, पेट्रोल करोड़ों वर्ष पहले दबे मृत जीव एवं वनस्पति के अपघटन से बने पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, इसलिए इसको पेट्रोल को क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कह रहा है कि पेट्रोल के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहते हैं, वर्तमान युग में क्या है, पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की उन्नति पेट्रोलियम की मात्रा पर निर्भर करती है। कृषि उद्योग यातायात एवं संचार आदि विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण, इसलिए पेट्रोलियम को तरल सोना भी कहा जाता है। इसके आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है, तो लिखो प्रकृति पहले इसके बारे में लिखेंगे। प्रकृति प्रकृति में कार्बन कैसे, कार्बन का एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक बाहर कितना है, 12 है, तथा ये क्या है, स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में शुद्ध रूप में हीरे है, ग्रेफाइट के रूप में मिलता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त अवस्था में पेट्रोलियम है, खड़िया है, चूने के पत्थर में भी पाया जाता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन प्रकृति में कार्बन के पदार्थों में पाया जाता है, वह भी बता दिया। फिर कह रहे हैं लैंप ब्लैक का क्या होता है, देखो लैंप ब्लैक मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त काली को कहते हैं। लैंप ब्लैक क्या होता है, जो लैंप के ऊपर काली जमा हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, लैंप ब्लैक कहते हैं। हाइड्रोकार्बन युग कितने प्रकार का होता है, हाइड्रोकार्बन युग दो प्रकार का होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एक असंतृप्त, जो पूछा उसको बता दिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि पेट्रोलियम किस गैस का मिश्रण है, पेट्रोलियम गैस मीथेन ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लकड़ी, अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, लकड़ी कंडे खेतों में धान व गेहूं के पुआल जलाने में होने वाले प्रदूषण के कारण पर्याप्त पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। क्या है, लकड़ी कंडे गेहूं व धान के पुआल, मतलब इसको क्या कहते हैं, पराली भी कहते हैं, कोयला पेट्रोल LPG के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, और खेतों में क्या, धान खेतों में क्या है, धान व गेहूं के पुआल पराली को जलाने से वायुमंडल में धुएं का कोरा छा जाता है, जिससे क्या आंखों में जलन व सांस लेने में तकलीफ होती है, तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इतना सा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ईंधन क्या है, ईंधन का वर्गीकरण उदाहरण सहित, ईंधन से दहन क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, ईंधन करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी के अंदर दबे मृत जीव जंतु वनस्पतियों के अपघटन द्वारा प्राप्त पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है। ईंधन तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, हमें मालूम क्या, ठोस द्रव्य, देखो ठोस में क्या पाया जाता है, चारकोल कोयला, और द्रव में क्या पाया जाता है, डीजल पेट्रोल, और गैस में कौन पाया जाता है, गोबर गैस और LPG आदि। इस तरह से इसका आंसर हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब ईंधन का क्या है, वर्गीकरण है, देखो ईंधन का क्या है हमारे पास, वर्गीकरण है, देखो ईंधन का वर्गीकरण पेट्रोलियम के प्रवाही आसपन है प्राप्त प्रवाजों के क्वथनांक के आधार पर भी किया गया, कैसे किया गया, प्रवाजी आसमान प्रवाज का नाम लिख दिया, क्वथनांक लिख दिया, और अब देखो क्या है, असंगनित गैस है, पेट्रोलियम गैस है, उसका क्या है, 40 डिग्री तक है, जिसे सिलेंडर और गैस स्टोव में यूज होता है। फिर क्या करें, पेट्रोलियम गैसोलिन गैस कैसे, 40 डिग्री से कितना, 170 डिग्री सेल्सियस तक है, तो ये क्या, ऑटोमोबाइल इंजन में यूज होता है। फिर क्या है, कैरोसिन मिट्टी का तेल 170 डिग्री सेल्सियस कितना है, 250 डिग्री सेल्सियस तक, जो जेट ईंधन या घरेलू ईंधन में उपयोग होता है। ईंधन तेल 250 डिग्री से कितना, 350 डिग्री सेल्सियस तक है, शक्ति संयुक्त ईंधन के रूप में यूज होता है। डीजल है वो 350 डिग्री सेल्सियस से कितना है, क्वथनांक इसका 400 डिग्री सेल्सियस तक है, तो किसमें होता है, मोटर था, इंजन में यूज होता है। अवशिष्ट तेल है वो 400 डिग्री से ऊपर तक है। इस तरह इसको बहिगर किया गया, इस तालिका को देख लो। फिर कह रहा है कि हीरा में कार्बन परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, चित्र की सहायता से समझाइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लेते हैं। कह रहा है हीरा कार्बन का एक क्या है, पारदर्शी क्रिस्टलीय अपरूप है। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन का एक परमाणु चार परमाणु से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणु की चतुष्फलकीय अवस्था के कारण यह पूर्णतः आबंध कठोर तथा त्रिविमीय संरचना अनुसार होती है, उसका चित्र हमने ये बना दिया गया है, इसको समझ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, तो लिखो हीरो के सरलता से भिन्न भिन्न
तल में तोड़कर कई फलक बनाए बनाने वाले क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। तुमने देखा होगा हीरा होता है, उसको क्या होता है, फलक होता है टूटे हुए, वो जोड़ के बनाया जाता है, जिससे क्या है, इस पर पड़ने वाला प्रकाश क्या है, पुंज विभक्त होकर शीघ्रता से इंद्रधनुष रंग बनाता है। ठीक है, यह थोड़ी सी भी हलचल से झिलमिलाता है और सुंदर रंगों वाला स्फुलिंग उत्पन्न होता है, और अतः हीरे के उपयोग से आभूषण की सुंदरता बढ़ जाती है। इसी कारण हीरे की उपयोग आभूषण बनाने किया जाता है, क्योंकि हीरे की चमक क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, वो आंखों को भी लुभाती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि सुगर चारकोल का उपयोग किया, सुगर चारकोल का उपयोग अपचायन के रूप में होता है, यह धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में भी अपचयित करता है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को चार चार पद है, प्रत्येक प्रश्न में तीन पद किसी न किसी रूप में कैसे हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, अब एक पद अन्य से भिन्न है, तो अन्य से भिन्न की पहचान कर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अब देखो हम क्या करना है, देखो हमारे पास कह दिया हीरा दिया, कोयला दिया, जंतु चारकोल दिया है, तो इसमें अंतर क्या आ जाएगा, इसमें इसमें हमारा काजल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे में क्या कह रहा है, नहीं आप देखो क्या कह रहा है, मैथेन इथेन प्रोपेन इथिलीन, तो इसमें अलग क्या दिख रहा है हमारा, इथिलीन दिख रहा है। ठीक है, इस तरह इसका टिक लगाते हैं। फिर कह रहा है कि एलपीजी गैस पेट्रोल डीजल लकड़ी, तो इसमें क्या दिख रहा है हमारा, इसमें हमारी लकड़ी अलग दिख रही है, लकड़ी चिन्ह लगा देंगे, अलग होगा। अब खाने का सोडा चीनी रोटी नमक, तो इसमें क्या हमारे पास हो जाएगी, सबसे अलग रोटी हो जाएगी, इस तरह इसको चिन्ह लगा दें। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं, बाद आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।